नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के ऑफिशियल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या होती है, प्राइम मेरिडियन या जीएमटी रेखा कौन सी कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा और जीएमटी रेखा के द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर समय मंडल है उनका निर्धारण, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, उनके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं अक्ष का अंश हैं और देशांतर रेखाएं जो हैं वो देशों के बीच में समय के अंतर को भी निर्धारित करती हैं। देशांतर रेखाएं समय के अंतर को क्यों निर्धारित करती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है, घूर्णन करती है, तो वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो जो पूर्व वाला हिस्सा है वह सूर्य के सामने पहले आता है और पश्चिम वाला धीरे धीरे आता है बाद में। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर हर समय अलग अलग दिन की अवस्था होगी, कहीं रात होगी, कहीं सुबह होगी, कहीं दोपहर होगी, कहीं शाम होगी। तो ये इस पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, अलग अलग अवस्था होने के कारण हमें समय का निर्धारण करना आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है या जीएमटी रेखा भी कहा जाता है। और ये जीएमटी रेखा जो है यह इंग्लैंड, लंदन, इंग्लैंड के अंदर लंदन के पास ग्रीनविच जगह है, वहाँ से जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ के शाह मतलब ब्रिटेन की जो वैधशाला है, वहाँ से निकलने वाली रेखा जो है वो 0 डिग्री कहलाती है। उसी के सापेक्ष समय का सब जगह निर्धारण किया जाता है। अब हमने जो है इस 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पश्चिम की ओर और 180 डिग्री पूर्व की ओर। तो 180 डिग्री जो है वो पूर्व और पश्चिम देशांतर वाली जो रेखा है, जो कॉमन रेखा है, वह रेखा पूरे एक तरीके से 12 घंटे का अंतराल बताती है। पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो कि 180 डिग्री है और 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पश्चिम में 12 घंटे का अंतर और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व 180 डिग्री तक 12 घंटे का अंतर। तो इस तरीके से पूरा 24 घंटे का अंतर आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती हैं तो पूरा एक चक्कर लगाती हैं, वो 24 घंटे में पूरा करती हैं। इसका अर्थ है कि वह जब अपने अक्ष पर पूरी एक चक्कर लगाती हैं तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं, क्योंकि वृत्त जो वो बनाती हैं उस का पूरा कोण जो होता है वृत्त का वो 360 डिग्री का होता है। तो अर्थात पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब पूरा एक घूर्णन का पूरा करती हैं तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है और 360 डिग्री कोण वह 24 घंटे में बनाती है। तो एक घंटे में कितने का कोण बनाएगी, 360/24 करने पर हमें पता चलता है कि 15 डिग्री का कोण जो है वह एक घंटे में बनता है। तो इस तरीके से हर 15 डिग्री पर एक एक घंटे का अंतर आता है। अब कहीं पर आगे होगा और कहीं पर समय पीछे होगा। जो पूर्व वाला हिस्सा है वह आगे होगा क्योंकि सूर्य वहाँ पर पहले उदय होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है।
और जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके पश्चिम वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने बाद में आता है, तो वह पीछे रहेगा, वहाँ का समय पीछे रहेगा। अब जो ग्रीनविच रेखा जो है वह 0 डिग्री रेखा है, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। यह आपको मैं बताऊं तो जीरो, ये इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा है, यह रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, यह उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव के बीच में फैली हुई है। इस 0 डिग्री से आप 180 इधर करेंगे, 180 रेखाएं इधर होगी, 180 इधर, और 180 डिग्री का देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है। वो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्यों कहलाती है? क्योंकि उस 180 डिग्री के पश्चिमी पॉइंट से यदि कोई व्यक्ति पूरा चक्कर लगाता है, तो वह पूरे पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री के पश्चिमी पॉइंट से पूर्वी पॉइंट तक पूरा एक चक्कर लगाता है, तो वो 360 डिग्री का कोण बना देता है, अर्थात वो पूरा एक दिन 24 घंटे में पूरा होता है, तो वह 24 घंटे का अंतर आ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा में किस तरीके से समय का निर्धारण होता है, कैसे दिनांक चेंज होती हैं, वो अभी पढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं कि जो रेखाएं हैं वह कोण में, डिग्री में, उससे छोटे इकाई मिनट में और उससे छोटी इकाई सेकंड में, इन में बांटी जाती हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, यह 1 डिग्री 15 मिनट है और सेकंड में 2 ऊपर इस तरीके से लाइन खींची जाएगी, या एपोस्ट्रोफी। अब इसमें हम देखें तो ये जो है, यह उस ग्रीनविच रेखा जो है वो उस रॉयल ऑब्जर्वेटरी में से निकलती हुई ये रेखा जो है वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है, ये रेखा। अब इसमें हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर रेखा को कहते हैं, क्योंकि वहाँ उसके पश्चिमी पॉइंट से पूर्वी पॉइंट तक जब कोई भी व्यक्ति पहुँचता है, तो पूरा पृथ्वी का एक चक्कर हो जाता है, जो कि 24 घंटे में पूरा होता है, और इसीलिए पूरा एक दिन का अंतर हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में जाएगा, तो एक दिन पीछे चला जाएगा। मतलब यदि वो शनिवार है इसके पूर्वी पॉइंट पर, तो पश्चिमी पॉइंट पर जाते ही शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि पश्चिमी भाग अभी पीछे है और पूर्वी भाग आगे है। वहाँ पर सूर्य पहले उदय हो चुका है, क्योंकि पूर्वी भाग जो है वो सूर्य के सामने पहले आता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है वह रेखा बाकी देशांतर रेखाएं जो हैं उससे कंपेयर करें, उससे कंपेयर करके हम देखें, तो यह रेखा जो है वो टूटी हुई टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी रेखा नहीं है, जबकि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है सीधी है। वह इसमें जो इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 8 जगह से मुड़ी हुई है। वह मुड़ने का कारण यही है कि सब जगह, ताकि एक देश में या एक कोई भी जगह है, एक राज्य है, वहाँ पर एक ही दिनांक रहे। यदि वो सीधी रेखा खींचते तो हो सकता है कि वो कुछ राज्यों, कुछ देशों के बीच में से
होकर गुजरती और उसी देश में अलग अलग दिनांक का जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता उसको रोकने के लिए और ये संतुलन बनाए रखने के लिए इसको अलग अलग जगह मोड़ा गया है। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो प्राइम मेरिडियन और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है उनके साथ साथ में अन्य जो देशांतर रेखाएं जो 15 डिग्री के अंतराल पर बनाई जाती हैं उन पर एक एक घंटे का अंतर आता है। और जैसे जैसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री देशांतर रेखा की तरफ पूर्व की ओर जाएंगे तो एक एक घंटा आगे होता जाएगा समय, किससे? ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच टाइम से, जीएमटी टाइम से। जिससे और यदि जीएमटी टाइम रेखा से या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक जाएंगे तो जो समय है वह पीछे होता चला जाएगा, आगे नहीं बल्कि पीछे। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो समय आगे होगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे होगा। तो हम देखें तो पाकिस्तान जो कि हमारे पश्चिम में है तो उसके और हमारे समय में आधे घंटे का अंतर आता है, हम आगे हैं। भारत भी ऐसे दो टाइम जोन में आता है। यदि हम पूरे पृथ्वी को देखें तो 24 टाइम जोन बनते हैं। टाइम जोन मतलब एक जो समय खंड है या समय मंडल है उसका 15 डिग्री का अंतर होगा और एक घंटे का अंतर होगा। इस तरीके से एक एक घंटे के अंतराल पर यदि हम जाने तो 24 खंडों में, 24 समय खंडों में या समय मंडलों में बांटा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं यह प्राइम मेरिडियन है, ये रेखा जो है ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और जो 180 डिग्री होगी वो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, ये कुछ द्वीपों में से गुजरती हैं तो वो इसको अलग अलग जगह मोड़ा गया है। और यह प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इस तरीके से। अब इसमें हम देखें तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करने पर हम यदि इसके यह इसका पश्चिमी भाग हो गया और यह इसका पूर्वी भाग हो गया। यदि इधर से इधर आएगा कोई तो एक दिन जुड़ जाएगा, यहाँ शुक्रवार है तो इधर शनिवार हो जाएगा, यहाँ से इधर आएगा तो एक दिन पीछे हो जाएगा। यदि इधर यहाँ पर रविवार है तो यह यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पश्चिमी भाग है और यह पूर्वी भाग माना गया है, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर चूँकि 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष हम इसकी गणना कर रहे हैं इसलिए 180 डिग्री जो है वहाँ पर 12 घंटे का अंतराल आएगा जब हम जब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो भी 12 घंटे का अंतर आएगा 180 डिग्री देशांतर तक,
और यहाँ से घूमकर यदि हम इधर आएंगे तो भी ये 12 घंटे का अंतर आएगा। तो यहाँ समय आगे बढ़ेगा, यहाँ समय पीछे जाएगा। यदि इसको 0 डिग्री माने, यहाँ पर मान लीजिए कि सुबह के 1 12 बजे हैं, तो यहाँ पर 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। यदि यहाँ पर रात के 12 बजे हैं, तो यहाँ दोपहर के 12 बजे होंगे, और यहाँ पर भी अगले दिन के 12 बजे होंगे दोपहर के। तो इस तरीके से यह एक दिन का अंतर आ जाता है। तो आप जब इधर से इधर जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो आपको एक दिन फायदा होगा, एक दिन आपको ज़्यादा मिलेगा। और इसके विपरीत यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तो आपको एक दिन का घाटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा और जो समय खंड है, समय मंडलों के बारे में हमने देखा। अब समय मंडल जो है वो 24 मंडल है, और यूँ भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिम से पूर्व विस्तार है वह भी 30 डिग्री के करीब है। तो भारत जो है वह 2 टाइम जोन में आता है, लेकिन हमने अपने सहूलियत के लिए एक जो देशांतर रेखा है उसी के टाइम को हमने अपना मानक टाइम माना है, मानक समय माना है। उसी प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 6 टाइम जोन में आता है, और इससे उनके पूर्वी या पश्चिमी, पूर्वी तट से पश्चिमी तट या पश्चिमी तट से पूर्वी तट की तरफ जाओगे तो आपको अपने समय में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जगह, जो पृथ्वी के पर अलग अलग समय का निर्धारण कर सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम आपको और भी रोचक विषय पर, जो सिलेबस से जुड़ा हुआ भी है, उसके बारे में बताएंगे।